ओपनिंग ऐसे देखा Hello guys, so this is Narendra Chetri, right? So he's one of the best known drummer over the Delhi. So I guess so, बहुत मुश्किल से time मिला, right? So I just have a meeting with my nephew. So we are going. So I'm making a blog a day with Narendra Chetri on drums. So guys, हम लोग अंकित के घर जा रहे हैं. अंकित और नरेंद्र छेत्री से, he's one of the the well known drummer in Delhi. आया था, तैयार तो गोली थे था क्या? ये रहा उसका घर, ये वाला घर है उसका, ये रहा, बढ़िया घर है ना. आंटी कैसे हो? सो दिस इज हिज कार, अनदर जर्मन ब्यूटी. गेट पे लॉक लगा दे. वो है, दो साल से प्रैक्टिस कर रहे. हाँ, दो साल से. हाँ, मेरी बड़ी वाली दी का वो है. अरे एक बार स्टूडियो दिखा ना. वो तुम्हारा परमानेंट रेजिस्ट फेवरेट वर्ड्स जो होते हैं, फेवरेट नहीं बोलता हूं, निश वर्ड्स. निश वर्ड्स. गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग इन नरेंद्रस स्टूडियो, राइट? सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ कि वो किसी को घुसने नहीं देता है, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग, सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. वो मैं तो खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूं. वैसे So, ड्रम यार तो सही बना रखा है इतने. अभी घर बने हुए, टाइम नहीं हुआ. मतलब ये स्टूडियो बना है, मतलब रिकॉर्डिंग ये इन्होंने घर पे बनाया. हाँ, नॉर्मली बस पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज बाहर नहीं, आवाज आने के लिए, साउंड प्रूफ करने के लिए. तो साउंड प्रूफ का है ना, अभी हुआ नहीं है ये साउंड प्रूफ. ये साउंड प्रूफ के लिए? हाँ, ये साउंड प्रूफ के लिए, इको के लिए. ये वाला जो है ये इको के लिए. कौन सा वाला? ये जो अच्छा ब्लैक कलर का जो होता है, ब्लैक और ये मैट. बारह बाय पंद्रह. भैया मतलब टाइम भी नहीं है उसके पास. तेरे पास काम बहुत है ना यार. काम इतना है, घर में ही नहीं टिक पा रहा है, बीबी को नहीं देख पा रहा है. गाइस, ये JBL के स्पीकर देखो, इसके पास JBL का स्पीकर भी है, राइट? एंड काफी बड़ा स्पीकर लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है. रसल हॉब्स के हैं, क्या बात है भाई. गाइस, दिस इज हिज पर्सनल ड्रम सेट एंड इट कॉस्ट मोर देन 1.5 लाख रुपीज. सो ये उसने अपनी कमाई से लिए. सो गाइज, डू कमेंट किया आपको नरेंद्र का होम स्टूडियो कैसा लगा, राइट? एंड कमेंट में मुझे बताना, फिर मैं उसको फीडबैक दूंगा. और कोई चेंजेस चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, राइट? अब हम चलते हैं ऊपर. ये सारा का सारा इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है भरत भाई की तरफ से. ये खोलने को मुझे लगा दीवार में, मैंने देखा अलमारी है. ओके, ये सीक्रेट अलमारी है ना. हाँ, पता नहीं चला ना, बिकॉज लगा कि वो मार्बल लगा हुआ है करके ऐसे. तो अब हम पहुंच गए टॉप फ्लोर पे. ये क्या है? रूम है, ये मम्मी का है. अच्छा, अरे कुछ टाइम में मेरा हो जाएगा. मैं नीचे वाला ऊपर. सो गाइस, मैं कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ नियर बाय शॉप से. कुछ तो आंटी यहीं बैठी हुई, लगता फोन में बिजी लग रही है. सो गाइस, ये कालरा अंकल की दुकान है और काफी पुरानी दुकान है ये, राइट? लगता है सामान अभी भी है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स का, यू कैन सी दैट, राइट? तो बढ़िया है. सो हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं अभी. गाइज, एक्चुअली नरेंद्र ना अभी सो रहा है क्योंकि नाइट शिफ्ट करता है, मतलब रात को लेट आया था तो इसलिए सो रहा है. तो हम उसी का ही वेट कर रहे हैं जगने का, उसको उसका नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं, राइट? सो इसलिए हम वेट कर रहे हैं. लगता है उठ गया होगा. सो अभी मैं जाता हूँ और शायद उठ गया होगा, फिर हम उससे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है, राइट? और क्या क्या सिखाता है वो मेरे भांजे को. अच्छा अंकित, उठ गया क्या? ये हाय अंकित ब्रो, व्हाट्स अप? और निशा भाभी क्या कर रहे हो आजकल? क्या कर रहे हो आज? कैसे हो? फील बेटर एंड थोड़ा बाकी म्यूजिशियन से हटके आप अपने की बात सीखने के बाद आप बजाते हो ना, टोटली डिफरेंस. एकदम मतलब
बुला रहे हैं। हाँ गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल नंबर टू, द नंबर चैनल टू। फिर वहीं से सीख के पवन करके फिर मैंने ड्रम किट पे भी इन्वेस्ट किया अपनी। नहीं तो तुम उधर जाओ ना, क्या कह रहे थे, आधा घंटा हो गया। So guys, this is a lunch time, right? So ये yummy खाना हमारे सामने है। चल रहा पीछे। एवरीथिंग आई प्ले इट विल बी ऑन द क्लिक। पीछे क्लिक अभी आएगा। मैं ये मेट्रो नाम है। सो ऑल दोस हु वांट टू लर्न म्यूजिक दे कैन यूज दिस ऐप राइट। बस ड्रैग हो रहे हो आप। गाइज मैं आपको बताना भूल गया, वैसे दीपक ब्रदर भी अब इंडिया में वापस आ चुके हैं। तो ये नरेंद्र छेत्री के सबसे बड़े बिग ब्रदर हैं दीपक छेत्री। दिस इज वन ऑफ द न्यू टेक्निक सांभा। ये तो एक ही मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। लाइव शोज यू हैव डन लाइक सो फार? आई कांट इवन काउंट मैन, अनकाउंटेबल। So guys, yes, so today we had a day with Anand Chetri and brothers. So yes, now we are back off. Bye bro. Guys, we just had a day with Ankit or Narendra Chetri. So he's one of the famous drummer in Delhi, right? So we just had a day, right? And I'll show you the update then. Till then, subscribe my channel.